नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मेरठ में हुए बवाल के बाद मेरठ की जनता भी शांति और अमन चाहती है। बवाल वाले स्थानों पर आला अधिकारियों के साथ बच्चे भी सड़क पर दिखाई दिए और ये बच्चे अमन और शांति की बात कहते नजर आए। सर, अमन का पैगाम देने वाली मेरठ के धरपार कुछ लोगों ने जरूर यहाँ पे अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश की, लेकिन आज वो उनके खत्म होते नजर आ रहे हैं। लोगों ने फूल देके एक तरीके से अमन की फिर से शुरुआत करी है। हवा भाई है, क्या कहना चाहिए? दरअसल कुछ लोगों ने खुराफात किया था, इसीलिए आप देखे होंगे कि 21 तारीख से इस जिले में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, क्योंकि अमन पसंद सारे लोग अचानक सक्रिय हुए। उन्होंने देखा कि शहर के अमन चैन को बिगाड़ने वाले ज़्यादा आगे बढ़ पाए, इसके पहले इन लोगों ने थाम लिया और पुलिस प्रशासन का इन्होंने पूरी सक्रियता से सहयोग किया। उसी के तहत आज इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था कि आप आइए हमारे बीच में बैठिए, जो भी गलत फहमियाँ अगर किसी को हैं उसको दूर करिए। तो लोगों को कुछ भय था कि पता नहीं क्या कार्रवाई होगी, इसको लेके एक आशंका थी। आशंका को निर्मूल किया गया, बताया गया कि भाई जो दोषी है कार्रवाई तो उसी के खिलाफ होगी, शेष लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को लोगों ने कहा, स्वीकार किया और इन लोगों ने यह भी कहा कि हम अपने पूरे मोहल्ले में पूरे इलाके में इस बात को सबको बताएंगे, किसी को जो निर्दोष है उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, इन लोगों ने भी कहा और ये होना ही चाहिए। सर, एक सवाल मेरा, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 5 लाख की आबादी है और मुट्ठी भर 500 लोग हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, तो उसमें ये भी मदद करेंगे जिनको पहचान? 100%, जैसा मैंने इन लोगों से कहा भी कि उनके फोटोग्राफ हम बनाए हैं।